सुंदर राधा कृष्ण के भजन से गूंजता ये मंदिर आज कितना खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ भक्तों की भीड़, हाथों में फूल माला की थाली, सुंदर वस्त्र और कृष्ण की भक्ति में लीन ये लोग। भक्ति ऐसी कि कोई नाच रहा है तो कोई कृष्ण का भजन गुनगुना रहा है। आज इस मंदिर में कई भक्त उपस्थित हैं क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी है। आज के दिन श्री कृष्ण भक्त कहीं फूलों की होली खेलते हैं तो कहीं इत्र की सुगंध का उत्सव होता है, तो कहीं भगवान के विग्रह पर हल्दी, दूध, दही, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ाकर लोग उसका एक दूसरे पर छिड़काव करते हैं। फूलमाला से इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है। भगवान कृष्ण को झूला झुलाने के साथ कहीं कहीं तो कृष्ण की मधुर रास लीलाओं का आयोजन भी होता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर लड्डू बाल गोपाल को दूध से नहाता देख रहे हैं ना, इसे अभिषेक कहा जाता है और इसी तरह कई चीजों से बाल गोपाल का अभिषेक किया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं और किन तरीकों से हम बाल गोपाल का जन्मदिन खूब अच्छे से मना सकते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस टेंपल के प्रेसिडेंट, इस्कॉन टेंपल के प्रेसिडेंट बंसी दरदास नाम है इनका, तो इनसे जानेंगे कुछ कृष्ण महत्व के बारे में, जानकारी लेंगे तय हित तक कि क्यों मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी और कैसे हम बना सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को। बाबा जी, आपका न्यूज़ नाउ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने बोला कि इस बार कोविड के कारण बहुत से जो श्रद्धालु और जो भक्त हैं वो बहुत कम तादाद में आए हैं, इससे पहले पिछला जो भी हुआ है जन्माष्टमी उसमें बहुत लोग आए हैं। एक चीज़ और का जिक्र हुआ कि इस बार फेसबुक से लाइव जाने वाला है आज रात में, तो कैसे होगा ये ज़रा थोड़ा बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। हरे कृष्णा, पहले तो मैं सभी नोएडा वासियों के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि श्री जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ, साथ साथ में कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए इसको नोएडा ने स्टेप लिया है कि हमको घर बैठे ही दर्शन कराएंगे। एक विशेष सुविधा प्रदान की गई है क्योंकि सभी का स्वास्थ्य रहे और सभी सुरक्षित रहें, तो इसको देखते हुए हमने फेसबुक और इसको नोएडा का फेसबुक जो पेज है उस पर और यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाएंगे। सुबह 4:30 मंगल आरती होगी, उसके बाद 8:30 के श्रृंगार दर्शन होगा और उसका पूरा दिन दर्शन खुला रहेगा। दोपहर की आरती होती है और उसके बाद में संध्या आरती होगा और फिर रात्रि को 9:00 लगभग भगवान का महाअभिषेक शुरू होगा। पूजा का पूरा विधि विधान से भगवान 9:00 से उसका पूजा विधि शुरू करेंगे और 12:00 तक भगवान के लिए पूरा विधि विधान से पूजा होगी। 56 भोग लगाए जाएंगे, पंचामृत अभिषेक होगा, पुष्पों के द्वारा विशेष भगवान का अभिषेक होगा, लेकिन प्रोटोकॉल को देखते हुए जनता नहीं होगी, हम जनता को घर बैठे ही दर्शन कराएंगे। ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है और 125 तीर्थों के जल के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा, ये नोएडा का विशेष आकर्षण होगा और इस 125 तीर्थों के द्वारा पूरा विश्व में स्पेशली इंडिया में हर कोने कोने में 125 तीर्थों के द्वारा जल से अभिषेक हुआ और जिसकी सेवा इसको नोएडा कर रहा है, नोएडा ने पूरे इंडिया में 125 तीर्थों का जल सप्लाई किया है। तो आप भी यदि कोई चाहते हैं अपने घर में तो ले सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं और इसको नोएडा में भगवान का अभिषेक 125 तीर्थों के द्वारा एक विशेष आकर्षण होगा वहाँ का। तो मैंने ही शब्दों साथ में आप सबके लिए नोएडा वासियों के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, हरे कृष्णा। एक और चीज़ जाननी थी, देखिए बहुत से जो भक्त हैं वो मंदिर, हालांकि बहुत लोग तो नहीं आएंगे क्योंकि कोविड का कारण है, दिक्कत है, बहुत लोग घर पे भी कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएंगे, मतलब रात के 12:00 कृष्ण पालकी में कृष्ण जी को झूला झुलाएंगे, तो कैसे मना सकते हैं, मतलब उन लोगों के लिए बताइए जो घर पर अपने कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्मदिवस मना सकते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लोगों को घर में लड्डू गोपाल रखे होते हैं, राधा कृष्ण रखे होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, तो उसके लिए एक विशेष पूजा विधि बताई गई है कि घर में हैं तो ठाकुर जी को घर में एक बहुत सुंदर थाल में पहले पुष्प रखें और पुष्प रखने वाले में उसमें एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक चिन्ह के बनाने के बाद ये चंदन के द्वारा बनाया जाता है स्वास्तिक चिन्ह, और उसके बाद भगवान का जो भगवान को बिठाएं, भगवान चरणों में तुलसी पत्र रखें, उनको प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी आप आइए, हम आपको आपका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, ऐसी प्रार्थना के साथ में भगवान को उसमें
उस थाल में बिठाने के बाद भगवान के लिए पंचामृत के द्वारा दूध दही घी और मीठा जल गंगा जल इसके द्वारा और कई प्रकार के कई सारे जूसेज होते हैं नेचुरल जूसेज होते हैं और उसके द्वारा भगवान का आप पंचामृत के द्वारा अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को एक वस्त्र के द्वारा नए वस्त्र के द्वारा भगवान को एक पोंछ करके भगवान को एक उसका पुष्प अभिषेक कीजिए और पुष्प अभिषेक के बाद में फिर उसके बाद भगवान को नहलाइए और भगवान को श्रृंगार कीजिए बहुत सुंदर श्रृंगार करके और फिर भगवान को कुछ बनाया हो या बाजार से भी कुछ आइटम ले सकते हैं और भगवान से तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगा सकते हैं और उसके बाद आरती घी के द्वारा बत्ती के द्वारा दीप के द्वारा अगरबत्ती के द्वारा और इस तरह से भगवान का दीप आरती घर में कर सकते हैं। पूरा परिवार मिलकर के इस तरह से जन्माष्टमी घर में मना सकता है। यही हमारी विधि है। हरे कृष्ण। आपने देखा कृष्ण जन्माष्टमी हम घर पे कैसे मना सकते हैं। कोविड का बहुत बड़ा कारण रहा है कि बहुत सारे भक्त मंदिर में नहीं आ पाएंगे। और एक और बड़ी चीज़ पता चली है, ये बड़ी बात हो सकती है। देखिए, अब तक पढ़ाई घर पर हो रहा था, काम घर पर हो रहे थे, बच्चों की शिक्षाएँ भी घर से ही हो रही थी, मगर अब भगवान के दर्शन भी घर से ही होंगे डिजिटली, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। ये इसे क्या कहें, ये नए जनरेशन का आगाज़ कहें या फिर कुछ और कह सकते हैं, ये कहना मुश्किल होगा। बड़ी मगर ये दिलचस्प बात होगी कि आपको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे अपना कंप्यूटर स्क्रीन खोल सकते हैं या यूट्यूब खोल सकते हैं और उससे हाथ जोड़ करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो अच्छी बात है ये। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए। मैं हूँ राहुल सिंह और कैमरा पर्सन है रविशेखर। शुक्रिया।